हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार, गाना सुन के आप समझ गए होंगे कि हम आज किस ट्रेन का सफ़र करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम सफ़र करने वाले हैं 12163 मुंबई से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली चेन्नई एसी एक्सप्रेस का। तो सबसे पहले यार, ये नज़ारा जो हम इस टाइम देख रहे हैं, ये है आपका LTT स्टेशन से, मुंबई LTT यानी कि मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जहाँ से ये गाड़ी हमारी बन के चलती है। तो यहाँ पे एक तरफ काफ़ी सारे यार्ड है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये कुछ प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पे रवाना होने के लिए गाड़ी खड़ी है एक EMD के साथ। और ये है हमारी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसको आज हॉल कर रहा है VAP 7 सदरन रेलवे का रॉयापुरम शेड का, इंजन नंबर 30482। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ, आपको गाड़ी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे इंजन का साउंड आ रहा है, इंजन का एकदम आइडल साउंड। और इसी के साथ साथ जानेंगे इस ट्रेन का इंफॉर्मेशन। तो काफ़ी लंबे रूट की गाड़ी है, तो इसलिए इसमें आपको एक ये पार्सल कार मिलता है, LHB पार्सल, हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। और इसी के साथ फ्रेंड्स, इस गाड़ी में अब कौन कौन से कोचेस लगे हुए हैं, सारे कोचेस देख लेते हैं बट थोड़े अलग अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोचेस को देखना। 02163 LTT MGR चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन। इसी तरह से ये आपके स्लीपर के डब्बे हैं, और ये है आपका स्लीपर के S6 विशेष गाड़ी LTT MGR चेन्नई सेंट्रल। और फाइनली ये दीनदयालु वाला, ये आपका फिजिकली डिसेबल वाला डब्बा है, और ये आपकी जनरेटर का। ये है जी हमारी कैब, यानी कि इंजन का इनर व्यू। ड्राइवर साहब पूरी तरह से तैयार है, और कुछ ही देर में हमारी गाड़ी जो है डिपार्च होने वाली है। तो यार, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो देर ना करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप हर वीडियो में, हर रेल सफ़र में हमारे साथ बने रह सकें। तो चलिए अब हम गाड़ी का यहाँ पर डिपार्चर करते हैं, इन्जॉय, और साथ ही में फिर जानेंगे गाड़ी की इन्फॉर्मेशन। इंजन का साउंड चेक करें फ्रेंड्स, कितना बढ़िया आपका VAP 7 रॉयापुरम का यहाँ पे साउंड आ रहा है। तो पहले तो आपसे हम ये शेयर कर दें कि आज की जर्नी हमारी कितनी, आज का हमारा जर्नी कहाँ तक का रहने वाला। तो फ्रेंड्स, आज हम LTT से सफ़र करने वाले हैं ठाणे तक का। तो चलिए पहले गाड़ी का डिपार्चर इन्जॉय करते हैं, फिर जानेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, अलविदा करते हैं मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस को, यानी कि मुंबई LTT को, और बढ़ते हैं अपने पहले हॉल्ट की ओर। तो
आज थोड़ा सा मौसम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि आज बारिश आ रही है। चेन्नई मुंबई LTT एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है आज हमारी, ये हमारी गाड़ी चलती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, यानी कि LTT से, और फाइनल पहुंचती है, इसका डेस्टिनेशन है MGR चेन्नई सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है MAS। ये गाड़ी का पूरा ट्रैवल टाइम जो है फ्रेंड्स, वो 21 घंटे 45 मिनट का है, जिसके दौरान ये गाड़ी 23 हॉल्ट पर, यानी कि 23 स्टेशन पर रुकती है। कौन कौन से हैं वो स्टेशन, ज़रा जान लेते हैं उनके बारे में। तो जब ये LTT से गाड़ी चलती है, सबसे पहले ये थाने रुकती है, कल्याण, करजत, पुणे, सोलापुर, वादी जंक्शन, सैदापुर, रायचूर जंक्शन, अडौनी, गुंतकाल जंक्शन, गुटी जंक्शन, राजमपेटा के रास्ते ये फाइनली ये गाड़ी आपकी पहुंचती है MAS, यानी कि चेन्नई सेंट्रल। तो ये देखिए, धीरे धीरे से गाड़ी यहाँ से डिपार्ट हो रही है, और बाकी गाड़ियों का यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट चल रहा है। और कितना प्यारा साउंड आ रहा है गाड़ी का यहाँ पे, एकदम हौले हौले से बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रेंड्स, ये गाड़ी कवर करती है 1261 किलोमीटर का, और उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ये गाड़ी आपकी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलती है शाम को, और इस टाइम पीक शाम को गाड़ी यहाँ से राइट टाइम पर डिपार्ट हुई है। शाम को गाड़ी चलती है 6:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और एक रात का पूरा सफ़र करके अगले दिन दोपहर को ये गाड़ी 4:30 पहुँचती है आपकी चेन्नई सेंट्रल, जहाँ पर इसको प्लेटफॉर्म नंबर 9 या 10 में से अलॉट किया जाता है। इस गाड़ी का टाइप जो है सुपरफास्ट है, इसके रेक जोन जो हैं वो सारे सेंट्रल रेलवे के हैं। और इसी के साथ सामने से ये देखिए एक लोकल ट्रेन जो कि जा रही है, जिसको हम थोड़ी देर में ही, हम भी आगे जो ट्रैक हैं, दो तरफ से ट्रैक आ रहे हैं, एक LTT की तरफ से, एक दूसरी तरफ से, और आगे जाके सारे ट्रैक्स जो हैं कंबाइन होने वाले हैं। और हमारी गाड़ी भी हौले हौले से जो है, अभी गाड़ी जो है लूप लाइन में है, गाड़ी मेन लाइन पर आएगी और फिर हम पकड़ेंगे, गाड़ी पकड़ेगी इसको। तो इस गाड़ी की टोटल रेटिंग की बात करें तो 4.4 स्टार रेटिंग है आउट ऑफ 5, जिसमें क्लीनिनेस, पंचुअलिटी और रेल फैनिंग को काफ़ी एक्सेलेंट इसकी रेटिंग है। बाकी फूड, टिकट अवेलेबिलिटी और सेफ्टी की बात करें तो उसमें भी इसका रेटिंग अच्छा ही है। ये गाड़ी आपकी सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 26 अप्रैल, यानी कि मंगलवार के दिन 26 अप्रैल 1988 को। इस गाड़ी में आपको पेंट्री कार, ऑन बोर्डिंग कैटरिंग और ई कैटरिंग तीनों की सुविधा उपलब्ध है। इस गाड़ी के लिए फ्रेंड्स, बेसिकली जो लोको असाइन होता है इंजन, वो आपका या तो रॉयपुरम का V7 या कल्याण का V7 होता है। तो इस टाइम जैसे कि हम देख चुके हैं, हमारी गाड़ी को रॉयपुरम का V7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। तो टोटल 23 हॉल्ट हैं इसके, और टोटल इंटरमीडिएट स्टेशन जो ये गाड़ी क्रॉस करेगी वो है आपके 228। तो चलिए, LTT से गाड़ी जो है रवाना हो चुकी है। दूसरी तरफ से देखिए CMST कल्याण लोकल आ रही है, जिसकी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ हमें यहाँ पे सुनने को मिल रही है। तो आगे जो स्टेशन कनेक्ट हो रहा है, ये है जी आपका विद्या विहार स्टेशन। LTT से जैसी गाड़ी चलती है, सबसे पहला स्टेशन आता है विद्या विहार, जहाँ पे दो ट्रैक्स आपस में मिलते हैं, यानी कि दो जोन जो अलग अलग, एक देखिए दूसरी तरफ जहाँ से वो EMU आ रही है, और एक ये जो ट्रैक्स हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद्या विहार से। तो विद्या विहार तक गाड़ी ने जो है 1 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया होता है। और ऐसे ही 8 और स्टेशन को क्रॉस करके गाड़ी हमारी पहुंचेगी अपने पहले हॉल्ट पर, यानी कि थाने। तो चलिए आपको एक बढ़िया सा वॉल व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं विद्या विहार पे, और ये आपका एक वॉल व्यू यहाँ पे एंजॉय करते हैं बढ़िया सा।
चेन्नई एक्सप्रेस के लिए। बहुत ही बढ़िया सफ़र आज का रहने वाला है फ्रेंड्स। ढेरों क्रॉसिंग्स होने वाली हैं, एक पैरेलल एक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है और साथ ही में ओवरटेक्स भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक, और अगर आपको जर्नी में यार मज़ा आ रहा है तो फटाफट से एक लाइक का बटन प्रेस कर दो। और इसी के साथ अगर आप भी किसी पर्टिकुलर जर्नी को, राउट को या गाड़ी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अरे अरे अरे, देखिए जो EMU आई थी उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे हो चुका है। CMST कल्याण स्लो EMU। बेहद शानदार। सामने एक और स्टेशन आ रहा है फ्रेंड्स, और ये एक और गाड़ी यहाँ पे WDP के साथ महालक्ष्मी एक्सप्रेस, WICF की गाड़ी 17412 महालक्ष्मी एक्सप्रेस यहाँ पे हमारे दूसरी ओर। और उधर EMU हमारे साथ पैरेलल एक्शन में आते हुए। और ये सारी गाड़ियाँ हम लोग अब जो स्टेशन क्रॉस करने वाले हैं वो है हमारा घाटकोपर स्टेशन, स्टेशन कोड GC। और घाटकोपर के बाद से हमारी गाड़ी पकड़ने वाली है स्पीड। तो ये देखिए जी, ये आपका घाटकोपर स्टेशन, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे EMU के लिए सारे ट्रैक्स अलग हैं। मिड लाइन में पासिंग के लिए जो गाड़ियाँ पास होनी हैं यहाँ से उनके लिए अलग हैं। और यहाँ से एकदम साइड रोल, साइड पे यहाँ पे देखिए ब्रिक्स के साथ पूरा कवर्ड एरिया बनाया गया है गाड़ियों के क्रॉसिंग पर। और ये पूरा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है घाटकोपर स्टेशन का। और घाटकोपर तक फ्रेंड्स गाड़ी ने 2.5 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। तो यार चलिए अब पकड़ते हैं स्पीड और गाड़ी को करते हैं एक्सेलरेट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी गई है, एकदम से साइड में जो है पासिंग गाड़ियों के पास होने के लिए अलग से ट्रैक्स जो हैं दिए गए हैं। और साथ में पूरा फेंस, ब्रिक्स का फेंस भी लगाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए आजू बाजू में काफ़ी सारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी। सामने पे एक फ्लाईओवर है जहाँ पे ट्रैफिक हमारा क्रॉस हो रहा है और गाड़ी नीचे से निकल रही है। गाड़ी जो है इस टाइम स्पीड पकड़ रही है और बहुत ही बेहतरीन ट्रैक साउंड हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, साथ ही में इंजन जो है हॉर्न देते हुए गाड़ी स्पीड में आ रही है। देखिए इस टाइम हमारे अगल बगल में फैक्ट्रीज़ हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे गाड़ी क्रॉस कर रही है। आजू बाजू में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसेज हैं। और पीछे पे फिर से वही जो लोकल, एक लोकल पीछे हमारे आ रही है और एक लोकल यहाँ से गई है कल्याण CMST स्लो लोकल। तो लोकल की तो आज बाहर रहने वाली है पूरे सफ़र के दौरान, हीरो लोकल हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। अरे अरे अरे, ये देखिए गाड़ी एकदम बढ़िया यहाँ पर ट्रैक साउंड आ रहा है। और इसी के साथ गाड़ी क्रॉस करने जा रही है फ्रेंड्स विक्रोली स्टेशन, स्टेशन कोड BK। और विक्रोली तक गाड़ी ने 6 किलोमीटर तक का सफ़र जो है तय कर दिया है।
चलिए उस मोहल्ले की बढ़िया से क्रॉसिंग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। विक्रोली स्टेशन क्रॉस करते हुए सामने ये जो स्टेशन आ रहा है फ्रेंड्स, ये है आपका कंजूर मार्ग स्टेशन, जहाँ पे 17317 हुबली दादर सेंट्रल एक्सप्रेस, जिसको एक WDT हॉल कर रहा है, ब्लू ICF की गाड़ी ये क्रॉस कर रही है, और ढेरों EMU यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कुछ रवाना हो चुकी हैं। देखिए कल्याण CMST स्लो, कल्याण CMST अम्बरनाथ फास्ट, काफ़ी EMU यहाँ पर खड़ी है, और ये CMST अम्बरनाथ फास्ट के साथ फ्रेंड्स हमारा पैरलर एक्शन होने वाला है। और ये पूरा नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिला है कंजूर मार्ग पर, स्टेशन कोड KJRD, और यहाँ तक गाड़ी ने 8 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। तो चलिए बढ़िया सा पैरलर रन EMU के साथ इंजॉय करते हैं। EMU का साउंड चेक करें फ्रेंड्स, कितना बढ़िया साउंड आ रहा है, EMU एक्सेलरेट हो रही है। अरे एक और गाड़ी रखकर क्रॉस होने वाली है, लीजिए एक और EMU फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रल लाइन में से टिक वाला CMST फास्ट लोकल क्रॉस करते हुए, और इसी के साथ अम्बरनाथ जो लोकल थी उसको हमारी गाड़ी ने पछाड़ दिया है। ये देखिए लोकल पीछे रह चुकी है। तो यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो देर ना करें, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो हर रेल सफ़र में आप हमारे साथ बने रह सकें। और इसी के साथ गाड़ी यहाँ पे क्रॉस कर रही है बैंडोप स्टेशन, स्टेशन कोड BND, बैंडोप तक गाड़ी ने 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। और बैंडोप स्टेशन के ठीक आउटर पर यहाँ पे सामने से एक और गाड़ी आ रही है, जिसको एक वैप 5 लेके आ रहा है, 12138 पंजाब मेल। आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी यहाँ पे आ रही है, तो चलिए इसका भी एक बढ़िया सा अराइवल यहाँ पे इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद वापस अपनी गाड़ी में हम फिर से पहुँचेंगे। और इसी के साथ एक EMU यहाँ से क्रॉस हो रही है, CMST कल्याण स्लो EMU वैप 7 पंजाब मेल के साथ बांधोप स्टेशन पर यहाँ पे क्रॉस, पूरा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है बांधोप आउटर पर। EMU तो जा चुकी है और पंजाब मेल धीरे धीरे से यहाँ पे क्रॉस हो रही है। तो चलिए यार वापस बढ़ते हैं अपने कैब के अंदर। तो जब तक यहाँ पे गाड़ी हमारी लोड हो रही है, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पे इंजन व्यू इंजॉय कर लेते हैं। रॉयपुरम, ये देखिए कितना शानदार यहाँ पे हॉर्न देते हुए इंजन जो है पूरे अच्छी बढ़िया स्पीड में। एक और EMU की क्रॉसिंग, इसी के साथ यहाँ पे गाड़ी क्रॉस कर रही है नाहूर स्टेशन NHU स्टेशन को, और नाहूर तक गाड़ी ने 12 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। और यहाँ पर देखिए एक EMU, दोनों EMU जो हैं, एक आ रही है और एक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा EMU पे भी हम यहाँ पे
ज़रा दृष्टि डालते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया EMU का यहाँ पे साउंड आ रहा है। और क्योंकि हमारी गाड़ी जो है कुछ ही देर में थाने पहुँचने वाली है, तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी हमने कम कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फटाफट से थाने स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम आज देखने वाले हैं थाने स्टेशन पर गाड़ी का अराइवल। तो ये देखिए जी, ये आपका थाने स्टेशन। यहाँ पे एक EMU ब्लू वाली, ब्लू लिवरी की EMU खड़ी हुई है। और ये देखिए, एक EMU यहाँ से जस्ट अभी रवाना हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत शानदार यार EMU, मतलब कि EMU के साउंड के लिए तो यार फटाफट से एक लाइक कर दो वीडियो को। और ये देखो, ये है आपके सामने थाने स्टेशन, जहाँ पे कुछ ही देर में हमारी गाड़ी नंबर 12163 मुंबई LTT MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस आने वाली है। लीजिए फ्रेंड्स, गाड़ी की अनाउंसमेंट भी हो रही है, अनाउंसमेंट चेक करें फटाफट। तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। 12164 अप चेन्नई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 7। लीजिए, अनाउंसमेंट तो हो गई है और सामने ही गाड़ी आ चुकी है। धीरे धीरे से यहाँ पे गाड़ी का हमें अराइवल देखने को मिलने वाला है। और जैसे कि हमारी आज की जर्नी जो है फ्रेंड्स, वो LTT से थाने तक की थी, तो थाने तक गाड़ी पहुँच चुकी है। बट हम ये जर्नी ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, हर जर्नी की तरह इस जर्नी में भी हम गाड़ी को बढ़िया सा यहाँ से अलविदा करेंगे और उसके बाद आज का सफ़र समाप्त करेंगे। तो चलिए गाड़ी का फटाफट यहाँ पर अराइवल चेक करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं गाड़ी का अराइवल। और एक ये और हॉर्न यहाँ पे सुनाई दिया है, लगता है कोई गाड़ी और आ रही है। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, एक EMU आई है यहाँ पे और काफ़ी सारी, ये आई है टिटवाला CMST फास्ट EMU और साथ ही में कल्याण की ओर जाने वाली भी EMU यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो जब तक हमारी गाड़ी का यहाँ पे वेटिंग हो रही है, गाड़ी का हॉल्ट है, तब तक यार बहुत सारी ढेरों हमें EMU की क्रॉसिंग देखने को मिलने वाली हैं। ये सारी EMU से रवाना होने वाली हैं, तो तब तक हम इनको करते हैं इन्जॉय। ये देखिए जी, चेकआउट कर लें आप थाने स्टेशन को, काफ़ी रियलिस्टिक स्टेशन बनाया गया है। एक तरफ पार्किंग है सारी, दूसरी और वो देखिए EMU यहाँ से रवाना हो गई है। एक EMU यहाँ पर रवाना हो रही है CMST कल्याण स्लो, और सामने से एक और EMU गाड़ी आ रही है कल्याण CMST स्लो लोकल, सामने से भी आ रही है। चलिए आपको इनका थोड़ा सा साउंड ज़रा चेक कराते हैं EMU का। और ये जो EMU आई थी टिटवाला वाली, ये भी यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है। थोड़ा सा आपको EMU का साउंड चेक कराते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी साउंड आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है सिवाय सिमुलेटर 24/7। जी फ्रेंड्स, टिटवाला लोकल जो है ये तो जा चुकी है, और इसी के साथ हमारी गाड़ी के डिपार्चर का जो है टाइम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी को
डिपार्ट करते हैं ठाणे स्टेशन से। दूसरी और जो EMUI थी वो भी यहाँ पे डिपार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स एकदम से यहाँ पे जो है हमें सिग्नल फिर से रेड हो चुका है। गाड़ी भी यहाँ से जस्ट रवाना हुई थी, स्टार्ट हमने गाड़ी को एक्सलेट करना शुरू ही करा था कि फिर से यहाँ पे हमें रेड सिग्नल दे दिया गया है। तो गाड़ी को रोक लेते हैं क्योंकि सामने से एक EMU आ रही है, एक EMU हमारे बगल में आ चुकी है। तो सामने EMU जब यहाँ पे स्टेशन पर आ जाएगी उसके बाद हमारा आगे से ट्रैक क्लियर हो जाएगा, फिर हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा और फिर हम रवाना यहाँ से थाने से रवाना गाड़ी होगी। तो ये देखिए ये EMU जो है इस टाइम हमारे ट्रैक पर है। और जो दूसरी ओर से EMU खड़ी थी उसका भी यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है। साउंड चेक करें फ्रेंड्स EMU का, कितना बढ़िया साउंड आ रहा है यहाँ पे। और एक और EMU यहाँ पे आ रही है, आपको ज़रा वो भी दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और जो EMU हमारे आगे खड़ी थी हमारे साथ वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो अभी कुछ ही मिनटों पहले स्टेशन पूरा भरा हुआ था, अब एकदम से खाली हो चुका है। अब हमारी भी गाड़ी यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अलविदा करते हैं थाने स्टेशन को, और इसी के साथ गाड़ी और ऐसे ही काफ़ी सारे स्टेशन और पास करके क्रॉस करके टोटल आपका 1261 किलोमीटर तक का टोटल पूरा सफ़र तय करके फाइनली ये गाड़ी आपकी पहुंचेगी MGR चेन्नई सेंट्रल। और थाने तक फ्रेंड्स जिस स्टेशन को TNA है यहाँ तक गाड़ी ने 16 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। और अभी भी बरसात जो है कंटिन्यूशनली बारिश का मौसम ही चल रहा है। और हमारी गाड़ी यहाँ से देखिए बढ़िया से इसका आप डिपार्चर यहाँ पे करें इंजॉय, और इसके बाद हम इस जर्नी को करेंगे समाप्त। और फिर अब आपसे मुलाकात होगी नए सफ़र में, नई जर्नी में, नई गाड़ी के साथ। तो यार तब तक के लिए अगर पूरी जर्नी में मज़ा आया हो और दिल खुश हुआ हो तो यार एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और इसी के साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स फटाफट से, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेहद शानदार डिपार्चर यहाँ पे हुआ है हमारी चेन्नई एक्सप्रेस का। ये लीजिए जी, तो ठीक है फ्रेंड्स मुलाकात होगी अब आपसे अगले सफ़र में। इसी तरह से बने रहें and thank you for watching and thank you for being in the journey with your own host and dost simulator 24/7।